नमस्कार ट्रैवलर्स, ये वीडियो में हम जा रहे हैं इंडिया के लास्ट लैंड कन्याकुमारी। जी हाँ, वही कन्याकुमारी जिसका नाम आपने गानों में तो बहुत बार सुना होगा। आज मैं आपको वो दिखाने भी वाला हूँ। सो लास्ट वीडियो में हम त्रिवेंद्रम को बाय बाय बोलकर आगे कन्याकुमारी की तरफ निकल पड़े, और इस वीडियो में हम इंडिया के लास्ट लैंड के सारे एक्सपीरियंस आपको दिलवाने वाले हैं, जैसे कि इंडिया का लास्ट बस स्टैंड, लास्ट सनसेट, लास्ट रॉक, लास्ट घाट की आरती और लास्ट रेलवे स्टेशन। बट आपको लास्ट नहीं रहना है, अभी ही पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके आने वाले वीडियो का मजा लें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक और मॉर्निंग फ्रॉम त्रिवेंद्रम। अभी हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन इंक्वायरी करने, क्योंकि अभी स्कूटी हमारे पास, फिर हमको सबमिट करनी पड़ेगी। तो इंक्वायरी पूछ लेते हैं कब की है ट्रेन, ने कब की बस है, क्योंकि वहाँ पे जाके फिर पता चले 2-3 घंटे बाद है, फिर कहाँ वेट करोगे। इससे अच्छा नियर बाई स्टे करो बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन के, और पहले ही इंक्वायरी कर लिया करो कि कब की ट्रेन और बस होने वाली, उस हिसाब से वहाँ पर पहुँचो। वैसे दिक्कत शायद हो, क्योंकि कल भी मैं बस स्टॉप गया था और वहाँ पे ढंग के रिस्पॉन्स देते नहीं यहाँ के लोग। आज देखते क्या रहता है। त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन पे ही क्लॉक रूम भी है। सो अगर आपको ऐसा है कि होटल वोटल नहीं लेना है और एक दिन का ट्रैवल कर रहे हो सिर्फ, तो आप अपना बड़ा लगेज यहाँ पे क्लॉक रूम में भी रख सकते हो, और देन आप बाकी जगह विजिट करके, विद इन अ डे जाना है आपको आगे के लिए तो जा सकते हो। तो उसके लिए आपको होटल्स पे खर्चा करने की जरूरत नहीं, अगर सिर्फ सामान रखने के लिए आप होटल लेना चाहते हो। क्या ट्रेनें खड़ी है लाइन से गजब दिख रही है सब, पता नहीं कब निकलेंगी ये सब। बट कन्याकुमारी वाली सारी ट्रेनें कैंसिल हो गई है, बुरा फंसे हम लोग। अब देखते कन्याकुमारी कैसे जाते हैं, बस ट्राई करते, बट बस वही, बस में वही दिक्कत है, लोग मलयालम ज़्यादा बोलते। देखते हम हिंदी वाले कैसे पहुँचते हैं कन्याकुमारी। तो रेलवे स्टेशन वो रहा, और उसके जस्ट पीछे ही है बस स्टेशन, कुछ इस तरह से दिखता है। रेलवे स्टेशन पे हमने 3-4 जगह पे इंक्वायरी करी, सभी बोल रहे हैं कि नागरकोइल कन्याकुमारी तक जो भी ये ट्रेनें कैंसिल है, बिकॉज इंफ्रा का बहुत काम चल रहा है, सो बस से ही जाना पड़ेगा। अब वही देखते हैं कैसे टैकल करते हैं यहाँ के लोगों को बस स्टॉप पे। ये रहा बस स्टॉप। वैसे ये बस अड्डा जो भी बनाया इन्होंने, बना एकदम मॉल जैसा है। इसके पीछे साइड बस स्टॉप है, आगे साइड तो दुकानें और वो सब चीज़ें। एक्सक्यूज मी सर, डू वी हैव बसेस फॉर नागरकोइल कन्याकुमारी? व्हाट विल बी द टाइमिंग्स? लास्ट देन राइट, देयर इज एनी, हां हां, लेफ्ट राइट, एवरी 10 मिनट्स और टू नागरकोइल, एवरी 10 मिनट्स, ओके, नाइस, इन आफ्टरनून एज़ वेल, ओके, थैंक यू सो मच सर। चलो, इन्होंने बताया कि हर 10 मिनट में कोई जगह से तो जाएगी, वहां पे जाके पता करते हैं कि जाएगी कि नहीं। वैसे इस बार बात इन्होंने अच्छे से की, रात वाला एक्सपीरियंस तो बहुत ही ख़राब था, अभी अच्छे से बात की इन्होंने। ओके, वी हैव टू चेंज दी बस, राइट, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। चलो ठीक है, शॉर्टेड है बसें, सामने से जा रही है नागरकोइल के लिए। मैंने कंडक्टर से भी पूछ लिया, ड्राइवर से भी पूछ लिया, और इंक्वायरी से भी पूछ लिया। सो अभी अपने हिसाब से निकलेंगे हम, क्योंकि हर 10 मिनट में जब जा रही है गाड़ी तो। चलो फाइनली फ्रेशन अप होके, नहा धो के स्कूटी को देंगे वापस जहाँ से रेंट से उठाई थी हमने, और निकलेंगे कन्याकुमारी के लिए। और हम लेने वाले हैं बस, जैसे कि मैंने आपको सारी इंक्वायरी दे दी थी कहाँ है बस स्टॉप और कैसे जाना है आपको, वहाँ से हम लेने वाले बस और जाएंगे सीधा कन्याकुमारी। सो अपना बैग वैग लेकर हम आ गए हैं बस स्टॉप। भाई रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया था स्कूटी का, 1 किलोमीटर धक्का मारना पड़ा, इसलिए हालत ख़राब हो गई। चलो अब बैठ के जाना है वैसे भी, तो रेस्ट कर लेंगे अब बस में ही। बट कीप हाइड्रेटेड, बहुत गर्मी यार, पानी पीते रहना यहाँ आना। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पीछे साइड है बस स्टॉप के एंट्रेंस पे आप आए, और बस स्टॉप के एंट्रेंस आपको एक्सट्रीम लेफ्ट ले लेना है, एकदम लेफ्ट लेकर जाओ। लास्ट में जहाँ भी बसेस होंगी ना, वो कन्याकुमारी वाली होंगी जाने के लिए, तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो एकदम लास्ट में पाओगे तो वैसा डिवाइडर जैसा आ जाएगा, रोड भी सामने ही दिखेगा आपको। यही सब है नागरकोइल जाने वाली बसेस, इन्हीं सब बसेस में जाना है आपको। जाओ कंडक्टर से पूछो, ड्राइवर से पूछो नागरकोइल कौन सी बस जा रही है, और बैठ जाओ। बैठ गए अपने बस में, बस तो अभी खाली है, धीरे धीरे भरेगी तो आगे बढ़ेंगे। बस वाले ने तो बोला 10 मिनट में चलेगी, देखते हैं। वैसे भी बस वाले बोलते जो होता नहीं है कभी। यहाँ लिखा तो है बस टाइमिंग, वैसे 5:30, 9, फिर दोपहर 12:30, दोपहर 3, बट आप फिर भी पता करो। मुझे तो जैसे देखने में तो जैसे लग रहा है कि हर 10-15 मिनट में चल रही है, तो उसके भरोसे मत बैठना। आप यहाँ पर आके ही पता करना कब जा रही है। फाइनली बस चालू हो गई और हमारा सफ़र चालू इंडिया के लास्ट कोने पे जाना, जो है कन्याकुमारी। तू कन्याकुमारी फर्स्ट नागरकोइल, ओके ओके, सेम बस टिकट दो, ओके फर्स्ट 76
ओके फर्स्ट 76 टू नगरकोइल देन टू कन्याकुमारी 20 ओके 20 कुछ ऐसा टिकट दिया है समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा इसमें क्या लिखा है बट चलो यही लेके जाएगा हमें कन्याकुमारी तक। नागरकोइल से निकल गए, बस हमको चेंज नहीं करनी पड़ी क्योंकि बस वाले ने बोला था कि सेम ही बस में रहना है तुमको, नागरकोइल में सारे पैसेंजर खाली होंगे, वहाँ से नागरकोइल से कन्याकुमारी के लिए चढ़ेंगे। अभी वापस से वही सेम कंडक्टर आएंगे और कन्याकुमारी की बस की टिकट काट के देंगे। दो टिकट फॉर कन्याकुमारी। लगभग दो घंटे लगे हमको त्रिवेंद्रम से नागरकोइल आने में और यहाँ से अभी शायद आधे घंटे से 45 मिनट का रास्ता और है कन्याकुमारी के लिए फ्रॉम नागरकोइल। वेलकम टू इंडियाज लास्ट बस स्टॉप। अभी मैं इंडिया के लास्ट बस स्टॉप पे खड़ा हूँ जो कि है कन्याकुमारी का। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, पता ही नहीं चला कब इतनी दूर हम आ गए धीरे धीरे ट्रैवल करते करते। अभी एक्सप्लोर करेंगे कन्याकुमारी को और जो भी एक्सपीरियंस यहाँ पे हम गेन करेंगे वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो में बने रहिए। हम 11 बजे निकले थे त्रिवेंद्रम से और अभी हो रहा है 3 घंटे में हम पहुँच गए फ्रॉम त्रिवेंद्रम टू कन्याकुमारी लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अभी हम कन्याकुमारी बीच साइड जा रहे हैं। हम थोड़ा सा हमको बस स्टैंड नहीं आना था, हमको बीच पे उतर जाना था जो कि 1.5 घंटे का डिस्टेंस है। देखते कोई बस वाला रोके तो रोक दो भाई, चढ़ जा भाई, चढ़ जा। चढ़ गए भाई, रोक दिया बस वाले ने। अभी अन्ना जी को बोलते हैं कि बीच, अन्ना बीच, कन्याकुमारी बीच, कन्याकुमारी बीच जा रही है ना, दो जन। चलो बढ़िया, बस में बैठ के। वैसे 10 रुपये टिकट लिया इन्होंने फ्रॉम कन्याकुमारी बस स्टैंड, जो मेन बस स्टैंड है वहाँ से लेके कन्याकुमारी बीच तक। अभी बस पूरी खाली है, हम ही कुछ पैसेंजर थे। भी उसके मजे लो और वीडियो को एंजॉय करो। पहुँचते ही हम पी रहे गन्ने का जूस और कोकोनट वाटर। अरे खाओ ना दबा के, अरे पेल के खाओगे तो रेल के मारोगे, ये बात याद रखते। तो आप यहाँ उतर के खाने पीने की चीज़ भी देख सकते हो। ये सर्कल है, ये सर्कल से राइट जाओगे तो बस स्टैंड पहुँच जाओगे, सीधे जाओगे तो बीच है और लेफ्ट मारोगे तो जेटी की तरफ, जैसे कि आप सामने बोर्ड पे देख रहे होगे वे टू बोट जेटी। हम जेटी की तरफ जा रहे हैं और ढूंढने का ट्राई करेंगे कि कोई क्लॉक रूम है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास ये जो बड़ा बैग है उसको हम रखना चाहते कहीं और फिर घूमना चाहते। तो आप भी अगर होटल ना लेना चाहो और रात की ट्रेन हो तो आप क्लॉक रूम ढूंढो, वहाँ पर अपना बड़ा सामान रखो तो ये थोड़ा पैसे बचा लेगा। वैसे सामने व्यू आपको दिखना चालू हो गया होगा, बीच दिख रहा है। अभी क्लॉक रूम ढूंढते हैं, नहीं तो ये भारी वजन इतनी गर्मी में उठा के चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ एक चीज़ स्ट्रेंज है यार, मैं लोगों से इंग्लिश में पूछ रहा हूँ अन्ना क्लॉक रूम कहाँ है, वो मेरे को हिंदी में रिप्लाई देते हैं। सो मे बी जहाँ पे भी टूरिज्म हब होता है वहाँ पे लोगों को हिंदी आती है, तो डरना मत कि हिंदी नहीं आती यहाँ के लोगों को। सो आप अगर ये जगह अच्छे से इन्जॉय करना चाहते हो और भीड़ नहीं चाहिए तो दोपहर में ही आओ। हमको पता था कि सुबह और शाम को यहाँ बहुत भीड़ होती है क्योंकि लोग सनसेट और सनराइज़ ही देखने आते, तो आप आओ दोपहर के टाइम अगर आपको स्वामी विवेकानंद मेमोरियल अच्छे से घूमना है। तो जैसे हम अभी आए तो भीड़ बिल्कुल नहीं है। अभी हम बैग रखेंगे किसी दुकानों पे, वो जो भी चार्ज करेंगे उनको दे के फिर घूमने निकल जाएंगे। भाई बैग रखने का बहुत लोचा है, क्लॉक रूम नहीं है, जो दुकान है उनमें ही है और यहाँ पे भी एक ही दुकान वाला है जो बैग रखता है। हम सबसे पहले उसी के पास गए, उसने बोला कि 6 बजे तक रखूँगा, 6 बजे के बाद नहीं रखूँगा। तो हमको लगा भाई, और क्योंकि हम सनसेट देखेंगे, सनसेट होता है 6:30 बजे, सो हमने सोचा कि ठीक है कोई और दुकान देख लेंगे जो 7-8 बजे तक दे, बट कोई और दुकान अभी रख ही नहीं रहे और उसे साफ मना किया था तुम यहाँ से गए और वापस आओगे तो मैं नहीं रखने वाला। तो अब बुरा फंसे भाई, बाहर की बैग लेके घूम रहे, ढूंढ रहे कि कहीं सामान रख दे, लॉज लेना नहीं है, देखते हैं कुछ मिलता है तो बताता हूँ या फिर कैसे करते। लॉज में बात करी, उन्होंने बोला कि 500 रुपये लगेगा क्योंकि हम इवनिंग तक ही रहने वाले,
बट अब ऐसा लग रहा है 500 रुपये भी देना फॉर 3-4 घंटे के लिए ज़्यादा है, क्योंकि हमको रूम में तो रहना ही नहीं, खाली बैग ही रखते हैं, देखते हैं और कुछ सस्ता मिले तो। रूम लेने का एक फ़ायदा हुआ, चलो फ्रेशन अप हो गए कम से कम, अब वैसे गर्मी गर्मी और पसीने वाले होके नहीं जा रहे। सो अभी जाते बोटिंग वगैरह लेते और स्वामी विवेकानंद मेमोरियल चलते हैं। पीछे से टिकट लेके आपको इस गली में से जाना है जहाँ आप अपनी फेरी को ऑनबोर्ड करने वाले हो। पीछे और भी लोग आ रहे होंगे, वो सब वहाँ पे टिकट्स खरीद रहे हैं। वहाँ टिकट्स लेने के बाद सब सीधे सामने जा रहे हैं। ज़्यादा भीड़ हो, लंबी लाइन हो तो यहाँ पे आप बैठ सकते हो, जैसे लोग बैठ गए, क्योंकि टाइम लगेगा, आगे बहुत भीड़ है। चलो फाइनली 15 मिनट बैठने के बाद लाइन हो रही है चालू। सो अभी हम फेरी लेके जाने वाले आगे की ओर, जो कि होगा स्वामी विवेकानंद मेमोरियल, जो सामने आपको दिख रहा है। ये लाइफ जैकेट लेने के लिए लोग जियो के फ्री सिम की तरह लेने जैसा झपटे, अपना तकिया लेके चढ़ दिए। अब मैं आपको बताता हूँ जिस जगह हम जा रहे हैं उसके हिस्ट्री के बारे में। 1886 में स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण की मृत्यु के बाद नरेंद्रनाथ दत्त यानी हमारे स्वामी विवेकानंद की भारत यात्रा शुरू होती है। 1888 में स्वामी विवेकानंद अपने मठ को छोड़ के भारत की यात्रा पे निकल पड़े। 1888 से 1893 तक उन्होंने भारत के कई राज्यों में यात्रा की। 1888 में उन्होंने उत्तर भारत के कई राज्यों में जैसे अयोध्या, लखनऊ, आगरा, वृंदावन, हथरस और ऋषिकेश जैसे जगहों को देखा। 1888 से 1889 तक विवेकानंद वैद्यनाथ और प्रयागराज भी गए। 1891 में उन्होंने अहमदाबाद, गिरनार, कच्छ, पोरबंदर, द्वारका, नाड़ियाद और बड़ौदा भी देखा। 1892 में उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की। उन्होंने पहले बैंगलोर की यात्रा की और फिर दूसरे शहरों जैसे त्रिशूर, एर्नाकुलम, नागरकोइल और त्रिवेंद्रम भी देखा। उन्होंने रामेश्वरम में पूजा की और अंत में 24 दिसंबर 1892 को कन्याकुमारी पहुंच गए। विवेकानंद के ये सालों की यात्रा में उन्होंने आम लोगों के दुख और समस्याओं का अनुभव किया। गरीबी, स्वाभिमान और शिक्षा की कमी का अनुभव उन्हें दुखी करता रहा। वो इन गरीब लोगों की मदद करना चाहते थे। जब स्वामी विवेकानंद 24 दिसंबर 1892 को कन्याकुमारी पहुंचे, तब भी उन्हें देश के जनता की मदद करने का विचार आया। कन्याकुमारी में उन्होंने समुद्र को तैरकर पार किया और एक बड़े पत्थर पे पहुंच गए। वहां उस पत्थर पर बैठकर भारत के भविष्य पर ध्यान लगाया। उनकी ध्यान संध्या 25 से 27 दिसंबर तक यानी 3 दिन तक चली, वो भी भारत के अंतिम टुकड़े पर, जो कि बाद में स्वामी विवेकानंद मेमोरियल के रूप में जाना जाता है। और आज हम वहीं खड़े हैं और आज ये बहुत बड़ा टूरिस्ट हब है और कन्याकुमारी के मोस्ट फेमस प्लेसेस में से एक है। पर शायद इस रॉक मेमोरियल की कहानी ज्यादा लोगों को पता नहीं होगी, तो आपका भी कोई दोस्त जाने वाला हो तो उसे इस कहानी को जरूर शेयर करें। रॉक मेमोरियल में सच में अभी भी ऐसी पॉजिटिव वाइब्स है कि मैं खुद भी खो गया था। स्पेशली यहाँ का जो मेडिटेशन हॉल है, जहाँ की शांति आपके पूरे ट्रैवल की थकान एक मिनट में उतार देगी। अब हम इंडिया के लास्ट रॉक पे थे तो यहाँ का पानी पीना तो बनता था, और पानी पीने के बाद यहाँ के लास्ट इसका एक्सपीरियंस कैसे छोड़ सकते थे, तो ये भी ट्राई कर लिया। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। रॉक मेमोरियल को एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस लैंड पे आ गए। इंडिया में एंट्री लेते हुए हम घुसपैठियों की तरह, क्योंकि ये है कन्याकुमारी और ये है इंडिया का स्टार्ट अगर नीचे से देखा जाए। पाइनएप्पल जूस लिया, वहाँ से आने के बाद यार
बहुत डिहाइड्रेटेड फील होगा आपको और सर भी घूमेगा क्योंकि वेव बहुत कड़क होती है और ऊपर नीचे होता है। तो आके आप कुछ हाइड्रेशन ले सकते हो लाइक नारियल पानी या फिर कोई भी चीज। देन हमने विजिट किया कन्याकुमारी माता का मंदिर और फिर जिस चीज को कैप्चर करने सब यहाँ आते हैं हम वो कैप्चर करने चले गए जो कि था इंडिया का लास्ट सनसेट पॉइंट। कन्याकुमारी माता के दर्शन करने के बाद आप मंदिर के पीछे त्रिवेणी संगम देख सकते हो। ये पूरी भीड़ सनसेट देखने आई है जो होने ही वाला है, बस कुछ ही मिनटों का समय बचा होगा। सामने है सन आप देख सकते और वो होगा सेट अभी थोड़ी देर में। और भीड़ देखो उस इंडिया के आखिरी पॉइंट से सनसेट देखने की। ये आपके सामने इंडिया के आखिरी स्पॉट से सनसेट हुआ तो वो देख रहे हैं, मतलब अगर आप इंडिया में हैं तो आप आखिरी होंगे जो ये सनसेट देख रहे हैं। ब्यूटी ऑफ नेचर देखो, एक तरफ सनसेट हो रहा है तो एक तरफ चांद बाहर आ रहा है। पर पहली बार ऐसा कहीं देखा होगा किसी गिरती हुई चीज को लोग ज्यादा देख रहे हैं बल्कि किसी उगती हुई चीज को। ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह। ये कन्याकुमारी का लास्ट पॉइंट जहाँ पे तीन बड़े ओशंस मिलते हैं, इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। वैसे यहाँ पे फर्क बताना मुश्किल है कि कहाँ से कौन मिल रहा है, बट यही पॉइंट है जहाँ पे इन तीनों ओशन और सीज का संगम हो रहा है। वहाँ पे हो रहा है सनसेट, यहाँ पे हो रहा है मून राइज और वो रहा हमारा विवेकानंद मेमोरियल जो हम दोपहर में गए थे। सनसेट के बाद मैंने कैप्चर किया इंडिया के लास्ट घाट की आरती। ट्रस्ट मी, मुझे पता भी नहीं था यहाँ पे आरती भी होती होगी, बट ये विजुअल्स जो पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट कर रहे थे मैं वर्ड्स में बयां भी नहीं कर सकता आपको। सब कुछ देखने के बाद लगभग जाने का टाइम हो गया था, सो मैंने कन्याकुमारी की लोकल मार्केट भी एक्सप्लोर करी। यार मेरे लाइफ में इससे सुंदर दुकान आज तक नहीं देखी, इतना सुंदर है ये। इतनी सुंदर दुकान, इतने सब चीज़ सुंदर, तो मैं भी रह नहीं पाया और ये वाली मूर्ति मैंने भी ले ली घर के लिए। कितनी सुंदर है, बीच में गणेश जी और ऊपर सीशेल्स। यहाँ आना तो यहाँ के मार्केट में ज़रूर एक्सप्लोर करना, बहुत सुंदर मार्केट है यहाँ का और प्राइस भी रिजनेबल ही है। इतना नहीं कि आपको लूटा जा रहा है टूरिस्ट प्लेस समझ के, मुझे तो बहुत रिजनेबल प्राइस लगे दूसरे जगहों के हिसाब से। तो आप भी जब कन्याकुमारी आओ तो प्लीज़ लोकल मार्केट से कुछ घर के लिए लेकर जाओ। तो हमारा डिनर आ गया, हमने लिया चपाती और खुरमा। भाई खुरमा के नाम पे कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, खुरमा मीन्स कोई भी सब्जी। अब रूम से चेकआउट करने जा रहे हैं हम। रूम लिया था हमने 500 रुपये में, 2 बजे दोपहर में रूम लिया था हमने, 500 में पड़ा था। हमने बोला कि 8 बजे चेकआउट कर देंगे, अभी बज रहा है कम रात के 9:30। हमारी ट्रेन है कन्याकुमारी से ही 10:15 पे, सो अभी निकलते कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन जो कि है बस 1 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ पहुँच के आगे का अपडेट देते हैं। इंडिया के आखिरी रेलवे स्टेशन पर आपका स्वागत है। इतना सुंदर रेलवे स्टेशन है, भीड़ भीड़ कुछ नहीं है, ज़्यादा शेड्स भी नहीं ऊपर जैसे नॉर्मल स्टेशन पर होता है, बट आखिरी रेलवे स्टेशन यहाँ के आगे, यहाँ से आगे कुछ भी नहीं है। कन्याकुमारी को बाय बोलने का तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा क्योंकि इतना सुंदर है ना कन्याकुमारी, एक तो आखिरी में ऊपर से क्लीन और इतना कम लोग आते हैं यहाँ पे, बट जाना तो पड़ेगा नेक्स्ट डेस्टिनेशन, तभी आपके लिए और अच्छी वीडियोस आ पाएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं रामेश्वरम में। अब यहाँ से आगे का सफ़र रामेश्वरम का है जो कि हम अगले वीडियो में जाने वाले हैं, जहां मैं आपको रामेश्वरम मंदिर के दर्शन कराऊंगा जिसे 4 धामों में से एक धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा राम सेतु। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल के बाकी वीडियोस के मजे लें।